बिल्कुल तो ये ऐसे बिल्कुल होगा तो वैसे होगा, ये हाँ सुपरस्टिशियस नहीं होना चाहिए। हाँ अच्छा ये बताएं, हमारे यहाँ जो मॉडरेट मुस्लिम्स हैं, और खासतौर पर इस वक्त लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए सवाल करती हूँ, जो हमारे यहाँ मॉडरेट मुस्लिम हैं वो मॉडरेट क्या होता है यार? यार मॉडरेट ये मतलब आप इनलाइटेंड, करनी है लेकिन ये मॉडरेशन आप तो अपने हर मजहब में देखिए, जरूरी है, दीन डोंट में यू थिंक दीन मॉडरेशन जरूरी है? शायद दीन में आसानी का तो अल्लाह ने भी कहा है, तो हाँ ठीक है ये हमारे उसमें हुक्म है, दीन में आसानी पैदा करो, हाँ लेकिन अपनी मर्जी की आसानियां तो नहीं ना पैदा करनी है आपने दीन में। नहीं नहीं वो बिल्कुल ठीक है, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर किसी भी दीन में आपको किसी किसी भी, मैं सिर्फ इस्लाम की बात नहीं करी, कोई भी दीन आप उठा के देखें दुनिया का, इवन बुद्धिज्म से अगर हम शुरू करते हैं, हिंदुइज्म से उससे पहले चले जाएं, शुरू करते हैं, आपको ये नहीं बताया गया कहीं आप बुराई करें, आप चोरी ऑल द ग्रेट करें? रिलीजन्स इन द हाँ वर्ल्ड वो सब टीचिंग्स मुख्तलिफ सिर्फ मैसेंजर आए, उन्होंने थोड़ी, मुख्तलिफ मैसेज दिए हाँ मुख्तलिफ दौर में। ग्रेट रिलीजन्स का मैसेज जो है वो अच्छा ही होता है, हाँ सिमिलर मैं भी नहीं कहूँगा सिमिलर होता है, लेकिन हाँ अच्छी बातें सब लोग बोलते हैं। हाँ राइट राइट खैर अच्छा चलें अब यहाँ पे करियर से थोड़ा सा बात करते हैं, आपके करियर के हवाले से, अब फाखिर जहाँ मौजूद है, जो हो चुका पीछे हो चुका, अब उसको तो बड़ा 50 अच्छा हुआ दफा पीछे, नहीं अच्छा हुआ, बट अभी तो हो गया ना, उसको बहुत सारे लोगों ने आपको इंटरव्यू किया, बड़ी सारी बातें, बीबीसी में भी आप गए। कई बार गए वो तो बहुत जगह गए, वॉइस ऑफ अमेरिका भी गए, बीबीसी भी गए, दुनिया जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पे सबसे चीज़ें अच्छा होती फाखिर हैं। को किस हॉट सीट पे बैठ के लगा, यार देखो मैं यहाँ, जहाँ मैंने सोचा नहीं था मैं यहाँ पहुंच गया, हाँ अल्लाह का जितना भी शुक्र करने बेस्ट का, मैं अचीवमेंट। तो ये सोचता हूँ कि शायद साहब के हम डिज़र्व ही नहीं कर सकते, तो हम जितना अल्लाह का शुक्र करें काम है, जितना अपने लोगों का अपने सुनने वालों का शुक्र करें उतना कम है, उनका शुक्रिया जितना करें कम है, क्योंकि मैं नहीं सोचता कि मेरे पास इतना कोई टैलेंट था कि मैं अल्लाह ने जो मुझे जो भी अभी तक मेरे नसीब में जो है मिला, आई एम रियली हम्बल्ड, आई एम रियली एक ह्यूमिलिटी की एक अंत पे पहुंच गया हूँ कि मैं मुझे भी यकीन नहीं आता सीरियसली। रियली हाँ अब मुझे अपने से कुछ लग नीचे रहा है को कि फाखर जो देखना है ना वो चाहिए, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जा रहे हैं आस्ता आस्ता। ये स्पिरिचुअलिज्म नहीं है, ये रियलिज्म है, ये सच है, एक हकीकत है। हम लोगों में से कुछ ऐसे ऐसे टैलेंटेड सिंगर्स हैं मेरे से 100 गुना अच्छा गाने वाले जो अभी कहीं नहीं पहुंचे, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि मेरे से 10 गुना फजूल होंगे और वो मेरे से 10 गुना ज़्यादा अच्छे हैं जा रहे हैं। तो ये अल्लाह मियाँ की देन होती है, इसका शुक्र करना चाहिए, और जिसको अल्लाह ने कामयाबी दी है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है कि जिसको अल्लाह ने कामयाबी दी है उसको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अच्छा फाखिर कितना रिस्पेक्ट करते हैं, और फाखिर के लिए लाइव कॉल्स हम लेनी शुरू करेंगे ब्रेक के बाद। बाय द वे आज आप मुझसे शेयर कर रहे हैं अपने बुखार, वो बुखार नहीं जिसके लिए आप एंटीबायोटिक्स या फिर एंटीबायोटिक्स लेते हैं, वो बुखार जो आपको किसी खास किस्म की एडिक्शन से हुआ हो। आजकल मुझे मोबाइल की एडिक्शन है, हर वक्त एसएमएस करती रहती हूँ, प्रोग्राम के दौरान एसएमएस चेक करती हूँ, मेरी टीम मुझसे बड़ी आजिज हुई भी है, लेकिन बुखार है, चलो उतरेगा, देखते हैं कब उतरेगा। आप बताइए आपको पहले कब कौन से बुखार चढ़े, आजकल कौन सा बुखार है, आपके घर में जो बच्चे हैं उन्हें प्ले स्टेशन का बुखार होगा, बाहर खेल के जाने का बुखार होगा, कुछ लोग होते हैं उन्हें अच्छा हाँ फाखर को भी लगता है मोबाइल का बुखार ऐसा वैसा बुखार है है हाँ वो ओ लग रहा है इट्स सच मुझे अ गुड, जब आप फारिग होते हैं या कोई और आपको ड्राइव कर रहा हाँ। है तो उस वक्त आपका बड़ा मजा आता है यार, ईमेल्स आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है, क्या जादू है ये। हाँ हाँ नहीं मसला ये है कि ना इस बुखार की कोई मेडिसिन है ना, आप कंसल्टेंसी के लिए किसी के पास जा सकते हैं, किसी डॉक्टर के पास। अरे शायद साहब मैंने एक चीज़ देखी है, हाँ सॉरी टू कट यू, न्यूज़ चैनल्स का बुखार मेरा उतर जाता है जब जब मैं आउट ऑफ सिचुएशन कंट्री, सही हो नहीं जाएगी। जब मैं आउट ऑफ कंट्री जाता हूँ, और जब बहुत ट्रैवल कर रहे हैं, हाँ आज मैं डैलस में हूँ, कल मैं सैक्रामेंटो में हूँ, अगले दिन डीसी में हूँ, हाँ हर रोज ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा, मुझे सोने का टाइम नहीं मिल रहा, ट्रैवल 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 परफॉर्मेंस, हाँ उस दौरान में आपको टाइम ही नहीं मिलता, तो आपके ऊपर से न्यूज़ चैनल, मैं वापस आता हूँ तो आई एम वॉचिंग रेगुलर एंटरटेनमेंट चैनल्स, हाँ और लेकिन फिर 5-6 दिन के बाद इस माहौल में आके दोबारा दोबारा ए वही हो आर वाई जाता न्यूज़ है जियो फलाना पाकिस्तान ढमकाना। उतरते, ठीक है जी, पाकिस्तान उतरते ही दुनिया तब्दील हो जाती है, जैसे ही आप कोई इंटरकनेक्टिंग फ्लाइट लेते हैं और आप बैठते हैं दुबई से पाकिस्तान के लिए, माहौल चेंज, एनवायरमेंट चेंज, नारे चेंज, पता चल देसी जाता है लोकल्स देसी में आ गए भाई, देसी माहौल है, देसी मुझे तो माहौल बड़ा अच्छा लगता है टोटली यार। जबरदस्त। पीछे से आवाज आ रही थी, ओए मुझे जूस नहीं मिला, ओए तो एक ब्रेक नहीं लेते ये अब एग्जैजरेट कर रहे हैं हैं आप, ये एग्जैजरेट कर रहे हैं, नहीं नहीं ऐसे नहीं है, मजाक कर रही हूँ, ऐसे मजाक नहीं कर है, रही हूँ, मजाक ऐसे कर नहीं। रही हूँ। जो जो आप जैसे थोड़े सोफिस्टिकेटेड लोग हैं हाँ वो ऐसे नहीं बोलते, और जो हमारी लेबर आ रही होती है वो जो है वो बेचारे वैसे ही थोड़े घबराए हुए होते हैं, तो उनके वो तो जबान नहीं निकालते ज़्यादा, तो आई थिंक पाकिस्तानी जितने वो नहीं अब रहे,
इतने पीछे नहीं रहे, आप एग्जैजरेट कर रहे किसी को, मैं बराबर में एयर होस्टेस को बिठाती हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। वो अगर कंप्लेनिंग उसकी पर्सनालिटी होगी तब कंप्लेन करेगी। अच्छा, वरना नहीं करनी चाहिए। नहीं करेगी, क्यों यार, हमें क्यों आप वो बुरा कह रही हैं? दुनिया के ऐसे मैं बुरा नहीं कह रही, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होता है, हमें मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट। शिकायत करना, कंप्लेन करना, कंप्लेन करना और चीजें जो हैं उसको अपनी इनोवेशन से एक खास लोकल टच जब हमारा आता है ना, ट्रक्स में हमारे जैसे आता है, हमारी बस में हमारा लोकल टच आता है, तो वो वाला टच हमें फ्लाइट में भी मिलता है। टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगा, हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक हो जाएगा, चीजें सही रही तो। तो जी हम यहीं पे एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपको फिर ज्वाइन करेंगे जीएमपी में फाखिर के साथ। जी वंस अगेन वेलकम बैक। बहुत सारी बातें हो रही होती है बीच में, जल्दी से जब मुझे पता चलता है ना टॉक बैक में, जी 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 बस आप ऑन एयर है, तो वो फिर फंबल हो जाता है कभी कभी। अच्छा फाखिर मुझे ये बताएं, लाइफ में कितनी दफा आपसे गलतियां हुई? मेरे से तो बहुत होती है, मैं तो कोई इतनी बड़ी बास्केट है, गलतियां ही गलतियां हैं जिंदगी में। ऐसे ही है, हर रोज होती हैं, 100-150 और कोई परवाह नहीं, फिक्र नहीं, मकावा नहीं, अगर पता चल जाए कि गलती, फिर आदमी सीख लेता है ना, फिर आदमी गलतियों से सीखते हैं। हाँ तो गलतियां करते, लाइफ में सबसे बड़ी गलती क्या हुई फाखिर से? ऐसे थोड़ी मैं कुछ कह सकता हूँ, है हर रोज एक नई गलती, हर रोज पिछला रिकॉर्ड। अरे मैं ये थोड़ी कि जूता छोटा पहन लिया, जूता बड़ा ले लिया, ये वाली गलती नहीं कह रही, मतलब कोई बड़ी वाली कोई डिसीजन ऐसा बना लिया हो जिससे लाइफ पे बड़ा बुरा इफेक्ट पड़ा हो, फिर भुगतना भी बहुत पड़ा हो। आई डोंट नो, ऐसे इतनी कोई बड़ी गलती नहीं की मैंने। करियर स्टार्ट किया था लेकिन दो लोगों ने किया था एक साथ, वो गलती लगती है कि यार मेरी अपनी इंडिविजुअलिटी थी। मेरी इंडिविजुअलिटी तब पता चली जब हम दो से वन टू बिकेम सेपरेटेड। हाँ। जब दो सेपरेटेड हुए या जो बैंड डिसबैंड हुआ, हाँ। तो तब पता चला कि इंडिविजुअलिटी क्या थी। ओके। पहले तो पता नहीं था ना, पहले तो आइडेंटिटी हमारी एज ए ग्रुप थी। हाँ। तो वो गलती नहीं थी, वो तो बड़ा अच्छा टाइम था। मिस्टर प्रोडिया के कोई मतलब सारा क्रेडिट कोई और ले गया, ये क्रेडिट वगैरह क्या होता है, कलेक्टिव व्हेन यू वर्किंग इन अ टीम, तो फिर आप इंडिविजुअल ग्लोरी की सोचते थोड़ी हो। अगर आप इंडिविजुअल ग्लोरी की सोचते हो तो आपकी टीम जो है वो अनहैप्पी हो जाएगी। बट आपको जहाँ हर डिसीजन से कुछ फायदे होते हैं कुछ नुकसान भी होते हैं, क्यों थिंक तुम्हें अलग होने से कोई नुकसान हुआ? देखो शायस्ता, चक्कर ये है कि हर किसी भी डिसीजन के अंदर इट्स अ पार्ट एंड पार्सल है ना, कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ कोई परफेक्ट तो कोई चीज नहीं है। हाँ, हाँ. तो किस जब पहले भी था तो कुछ फायदे थे, कुछ इतने अच्छे नहीं थे। जब मैं वन आई वेंट सोलो तो कुछ चीजें बहुत अच्छी हुई, कुछ इतनी अच्छी नहीं हुई। तो हर चीज इज अ डिफरेंट मिक्स बैग, यू कांट कंप्लेन। एक चीज मैंने जिंदगी में सीखी है कि फजूल में कंप्लेन करना छोड़ देना चाहिए। हाँ। हर वक्त ये बुरा वो बुरा, ऐसे हो जाता तो वैसे हो जाता, ये करना नहीं चाहिए। हाँ। जो आपकी किस्मत में है, जो आपको मिलेगा। या वो ये वाली बात हम अपने ऊपर अपनी जिंदगियों पे आजकल अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात की है तुमने। हम जो कहते हैं ना इस मुल्क में तो यही है, बस क्या करें इस मुल्क में तो ये, खुद हम कौन से तीर चलाते हैं, अपने आपको तो देख लें, हम खुद क्या कर रहे हैं, क्या कर लिया हमने, हम बड़ा कहते थे हमसे यूं, हमने कर क्या लिया है, हमने क्या पे बैक किया है सीरियसली। अच्छा एक अगर जुमले में मैं पूछना चाहूँ, क्योंकि बड़े चैनल से मैंने बहुत दफा सुना है फाखिर को इंटरव्यू देते हुए, और दूसरे आपके जो मेंबर थे उन्हें भी, अरुण को भी बहुत दफा सुना है, बात बड़ी हुई है, मैं नहीं उस डिटेल में सारी जानना चाहती, पर अगर मैं एक सिंपल सेंटेंस कहूँ कि अगर आप वो चूज करें, मुझे बताएं व्हाट वाज द मेन रीजन टू अपार्ट। ओके, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि रीजन मुझे खुद भी समझ नहीं आया, लेकिन बाद में मैंने खुद कंक्लूड करने की कोशिश की। ओके, मेरे जो पार्टनर थे उन्होंने बैंड जब डिसबैंड करके तो सन 2000 में अपनी एल्बम रिलीज कर ली जी। फिर उसके बाद फिर मुझे भी कुछ करना था, आई वॉज जॉबलेस, तो 2002 में फिर मैंने अपनी एल्बम रिलीज की। तो बस इन दो डेट्स को आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ होगा। आई गेस क्लैश ऑफ एम्बिशन हुआ होगा या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कुछ भी हुआ हो, एवरी गुड थिंग इन लाइफ, में आप डिसीजन मेकर नहीं थे? नहीं बिल्कुल थे नहीं, तो उन्होंने अगर अगर कोई बेनाइन जब होता है बैंड मेंबर तो उससे तो फर्क नहीं पड़ता, वो तो आप बेनाइन जितने भी लोग पड़े रहे। लेकिन जब डिसीजन मेकर कोई हारून वेंट जोन सोलो वेंट